आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना। चलिए हम लोग वीडियो को की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज के द्वारा ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो हमारे इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 221 के सवालों को, तो जिसमें हमको दिया हुआ है निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा प्रश्न है क्रमांक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं और 5ों में किसी में मूलधन ज्ञात करना है, किसी में ब्याज की गणना करना है, किसी में मिश्रधन की गणना करना है। तो इसमें जो सूत्र प्रयोग होने वाले हैं उस सूत्र को हम लोग एक बार लिख देते हैं। जैसे कि जो सूत्र आएगा क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक सूत्र है मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। उसके बाद आ जाएगा ब्याज, जैसे कि ब्याज है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। अगला फिर इसी में निकाल देते हैं, मूलधन निकालना है तो मूलधन कैसे निकालेंगे, ये इसी सूत्र के माध्यम से सूत्र पहला से बाकी सूत्र तैयार हो रहा है। देखिए जब मूलधन को निकालेंगे तो क्या करेंगे, ब्याज को मिश्रधन की तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, ये धन था वो क्या हो जाएगा ऋण में, यहाँ क्या हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन ऋण ब्याज, ये हमारे पास 3 सूत्र हैं। इस 3 सूत्र के माध्यम से हमारे जो 5 सवाल हैं हल होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्याज की गणना करना, इसके हम लिए हम लोग सूत्र नंबर 2, ये सूत्र नंबर 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है ब्याज। सवाल नंबर 1 में ब्याज की गणना करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्याज का सूत्र को डाल देंगे। तो हमारा पहला का हल हो जाएगा ब्याज बराबर, एक बार इसको लिख देते हैं अलग से, जो सवाल में दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, दिया है मूलधन बराबर 500 रुपये, अगला दिया हुआ है ब्याज, क्या जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है, और दिया हुआ है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर कितना आ जाएगा 650 रुपया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ देखिए ज्ञात करना है ब्याज, इसलिए हम लोग सूत्र सेकंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख देंगे ब्याज, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है ये मूलधन, अब लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मूलधन और मिश्रधन का मान को रख देंगे, यहाँ पे मिश्रधन है और ये मूलधन,
तो दोनों का मान रख देते हैं, मिश्र धन में 650 लिख देंगे मिश्र धन की जगह, मूलधन की जगह 500। अब दोनों का आपस में घटा देते हैं, शून्य में शून्य घटाएंगे कितना मिल जाएगा 0, फिर 5 में शून्य घटाएंगे फिर मिल जाएगा 5 में शून्य घटाएंगे तो मिलेगा 5, 6 में 5 घटाएंगे तो मिलेगा 1। तो हमारा जो ब्याज हुआ सवाल नंबर 1 का कितना आएगा 150 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 150 रुपया भर सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है, यहाँ भी लिख देते हैं दिया है, जो दिया है लिख देते हैं मूलधन, ये दिया हुआ मूलधन, यहाँ पे मूलधन ही रहेगा। ₹625, उसके बाद दिया हुआ है ब्याज 125 रुपये, फिर निकालना है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर इसको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे ज्ञात करना था ब्याज, तो उसी प्रकार क्या ज्ञात करना है यहाँ पे मिश्र धन, यहाँ लिख देते हैं मिश्र धन ये हमारा सवाल नंबर 1 का प्रयोग होगा। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज, मूलधन कितना दिया हुआ है 625 रुपया, ब्याज दिया हुआ है 125, जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 5 10 2 4 5 5 6 7। तो हमारा जो सवाल नंबर 2 का मिश्र धन क्या आ गया 750 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 750 रुपया। अब अगर यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है उसको हल कर देते हैं। अगला सवाल में जो दिया हुआ है क्या है, मूलधन, ये तीनों सवाल में सेम ही रहेंगे, मूलधन उसको ज्ञात करना है, ब्याज दिया हुआ है, और मिश्र धन 1280। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, नहीं मूलधन, यहाँ पे निकालना है मूलधन तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिश्र धन ऋण ब्याज। मूलधन बराबर मिश्र धन ऋण ब्याज, मिश्र धन क्या है 1280 और ब्याज कितना है 280। तो दोनों में शून्य घटाएंगे शून्य आ जाएगा, 8 में 8 घटाएंगे शून्य मिलेगा, 2 में 2 घटाएंगे शून्य मिलेगा और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 3 का मूलधन कितना आ जाएगा 1000 रुपया, मतलब 1000 में हम लोग ब्याज 280 रुपया है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन 1280 आ जाता है।
इसका मतलब चाहे तो डायट भी कर सकते हैं, लेकिन डायट में थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, तो मैं इसको एकदम सरल तरीके से बता दे रहा हूँ। अब अगला है सवाल नंबर 4, ये 3 था। तो सवाल नंबर 4 में कितना दिया हुआ है मूलधन, मूलधन बराबर 1275 रुपया 50 पैसा, 1275 रुपया 50 पैसा, ब्याज ₹175 रुपया 25 पैसा, और इसमें निकालना है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, इसको ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या डालेंगे, सूत्र नंबर पुनः 1 का उपयोग करते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 1275 रुपया 50 पैसा, धन ब्याज दिया हुआ है 175 रुपया 25 पैसा, दोनों का आपस में जोड़ देते हैं, शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 और 2 7, दशमलव है यहाँ दशमलव डाल देते हैं, 5 5 10 7 7 14 1 15 2 2 और 1 3 हासिल लिखाया 4 यहाँ पे 2, थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, 5 5 10 7 7 14 के 4 2 3 4, इसलिए इस प्रकार हमारा मिश्र धन कितना प्राप्त हो जाएगा 1450 रुपया 75 पैसा। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं, इसमें दिया हुआ जो भी देते हैं, सवाल नंबर 5 मूलधन मूलधन क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, ब्याज ₹1750 रुपया, और मिश्र धन ₹2895 रुपया 25 पैसा। तो इसमें हम मूलधन लिख देते हैं, तो मूलधन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग प्रयोग करेंगे सूत्र नंबर 3 का, तो आप लिख देंगे मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन ऋण ब्याज, तो यहाँ पे क्या है मिश्र धन कितना दिया हुआ है 2895 रुपया
25 पैसा ब्याज दिया हुआ है 1750 रुपया। इधर पैसा में लिखना है तो 0 0 लिख देते हैं, तो 0 पैसा है तो इसको घटाएंगे तो 5 में 0 घटाएंगे 5 ही मिलेगा, 2 में 2 0 घटाए 2 तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, फिर 5 में 0 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 5, 9 में 5 घटाएंगे 4 मिलेगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार हमारा जो मूलधन है कितना आ जाएगा, एक हजार नहीं ग्यारह है, 1145 रुपया। इस प्रकार सवाल नंबर 1 बनकर तैयार है। सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसमें दिए हुए हैं टोटल 5 क्वेश्चन, तो हम लोग ये 5 क्वेश्चन का साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो हम लोग हल करते हैं प्रश्न नंबर उत्तर क्रमांक 1। आप लोग कभी भी हल करें तो यहाँ पे इस प्रकार जरूर लिख दें सवाल को, मूलधन चार हजार रुपये, दर 6% और समय 3 वर्ष। अब यहाँ पे हम लोग साधारण ब्याज लिखेंगे की गणना करते हैं, यानी देते हैं साधारण ब्याज ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बचा 100। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है। इस सूत्र को थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मूलधन दर समय तीनों का आपस में गुणा करना है और 100 से भाग कर देना है। अब यहाँ पे मूलधन दर और समय का मान को रख देते हैं। मूलधन दिया हुआ 4000, दर दिया हुआ 6, समय दिया हुआ है 3, पूरे का बटा 100। अब ये 0, अरे 0 कट गया। अब इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 या 18, यहाँ बचा है 40, और 18 चौको 72। तो हमारे पास जो ब्याज आ गया 720 रुपया, मतलब 4000 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 720 रुपया। अब इसी प्रकार अगला सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें हम लोग इसमें जो लिखे हैं सेम उसी प्रकार लिख देंगे, तो चलिए लिख देते हैं कितना मूलधन दिया है। यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा, दिया है ये पूरे प्रश्न में दिए हुए हैं।
यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, मूलधन, बराबर 900 रुपए दर पाँच रुपया 50 पैसा मतलब 5.5% समय 3 वर्ष। अब यहाँ लिख देते हैं साधारण ब्याज, बराबर कितना हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय। पूरे का बटा 100, तो मूलधन कितना है 900, दर दिया हुआ है 5.5%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, बटे 100। 0 0 को काट दिए। अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर देते हैं ये दोनों को एक बार, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 हाथ में आया 1, 5 3 15 अरे 16, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव डाल देंगे, और बचा कितना 9 को पुनः लिख देते हैं, फिर से गुणा कर देते हैं, तो 9 5 45 हाथ में आ गया 4, फिर 9 6 54 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58 8, 9 1 9 9 4 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 900 रुपये का 3 वर्ष में 5.5% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 148.50 रुपया। ये हमारा उत्तर है। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं, हल करते हैं। इसमें भी लिख देते हैं हमको सेम सभी सवालों में कभी भी हल करते हैं आप लोग इसी क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। दिया है क्या क्या दिया है मूलधन दर समय। मूलधन कितना दिया हुआ है 480 रुपये, दर दिया हुआ है 7 रुपया 75 पैसा मतलब 7.25 रुपये का बोलते हैं इसको, और समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष, इसको पढ़ते हैं हम लोग 2.5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे 2 2 4 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5/2 वर्ष। अब यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा मूलधन गुणित दर पूरे का बटा 100। मूलधन कितना है 480 रुपया, दर दिया हुआ है 7 रुपया 750 पैसा, और समय आ जाएगा ये 5 जो दिया हुआ है अंश में और 2 दिया हुआ है हर में, जहाँ हम लोग उसी को लिख देंगे ऐसे बटे पूरे का 100 × 5/2। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ये 0
और ये जीरो कट गया। अभी 10 को काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 कट गया, फिर 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम लोग के पास कितना बच जा रहा है, 7.75 गुणित 12, इसको आपस में गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5=60, 60×6 हासिल बच गया, 12×6=72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हाथ में आ गया, 60, फिर 12×6=72 और 7 कितना हो जाएगा, 79। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, तो इस प्रकार हमारा जो अंतिम उत्तर प्राप्त हो रहा है कितना हो जाएगा, 79.80 रुपया। ये 79.80 रुपया क्या है, ब्याज है 480 रुपये का 3 वर्ष में। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, इसमें समय थोड़ा सा घटाते गया है, यहाँ 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष, यहाँ 2.5 वर्ष, यहाँ निकाला है 2 वर्ष का, तो सेम हम लोग सेम हल करेंगे। चौथा नंबर, मूलधन कितना दिया है, 525 रुपया 25 पैसा, इसको पढ़ते हैं, 525 रुपया 25 पैसा, दर 4%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे साधारण ब्याज फिर से, बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो कितना आ जाएगा, पूरे का बटा 100, यहाँ मान रख देते हैं मूलधन में 525 रुपया 25 पैसा, दर है 4%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, पूरे का बट्टा 100। तो काट देते हैं एक बार, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5×2=10, 5×9=0। फिर 5 से काट देते हैं, 5×5 5×2=5×0=0, 5×5 5 से भाग नहीं जाएगा तो 0 कर देंगे, फिर 5×6=25, फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे, 5×6=25, फिर 5 से कर देते हैं, 5×2=10, 5×2=10, 5×5 5×0=0, 5×5 दशमलव के बाद था, 0.1 इसलिए यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा 2×2=4। तो हमारे पास कितना बचा, 21.01×2, तो गुणा कर देंगे, 1×2=0, 1×2=4। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है चौथा का कितना आ जाएगा, 42.02। तो चौथा नंबर का उत्तर है हमारा 42.02।
अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो अगला सवाल में कितना दिया हुआ है, इसमें फिर थोड़ा सा समय घट गया है, 2 वर्ष था, इसमें आ गया है 8 माह। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेम वैसी हल कर देते हैं 5वां नंबर को, मूलधन बराबर 2400 रुपये, दर दिया हुआ है 6.5%, छः पूर्णांक 1/2। अब इसको हम लोग ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आपस में गुणा होता है तो 6 × 2 = 12, और 12 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो इसको ये पूरा कितना हो जाएगा 13/2%। और समय दिया हुआ है 8 माह। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, जितना भी सवाल दिया हुआ था सभी में समय में कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, इसमें क्या दिया हुआ है माह। तो हम लोग इसको वर्ष में बदलेंगे, तो वर्ष में कैसे बदलेंगे, हम लोग 1 वर्ष का कितना होता है 12 माह, तो इसको बदलेंगे वर्ष में तो लिख देंगे इसको 8/12 वर्ष। का एक बार कटे जाता काट देते हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, आगे कितना हो जाएगा ये 2/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब हम लोग साधारण ब्याज निकाल देते हैं, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरा का बटा 100। अब यहाँ पर मूलधन लिख देंगे कितना दिया हुआ है 2400, दर दिया हुआ है 13/2, और समय दिया हुआ है 2/3, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। एक बार लिख देंगे यहाँ पे 2413 अंश में है और 2 हर में है, यहाँ 2 भी अंश में है और हर 3 में, और यहाँ पे 100 जो है हर में 24 अंश में, तो यहाँ पे हम लोग 13 को अंश में लिखेंगे 13, ऐसे 2 को लिख देंगे यहाँ पे, अब पूरे को लिख देंगे यहाँ पे 100 × 2 × 3, ये 0, अरे 0 हो गया। अब इसके बाद काट देते हैं इसको, ये 2 अरे 2 कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 8 = 24, हमारे पास यहाँ कितना आ गया 13/8। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, हाथ में आया 2, 8 × 1 = 8, अब 2 = 10, 13/8 = 104 रुपया उत्तर। तो हमारा सवाल नंबर 5 भी बन के कम्प्लीट हो चुका है। हम लोग अगले सवाल में हल करेंगे प्रश्न नंबर 3 में मिश्र धन की गणना कीजिए। आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो लगातार मिलता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल का वीडियो को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे देखिए, आप लोग YouTube सर्च बार में जाकर BTK टाइप करें, BTK क्लास, जिस भी क्लास के हैं, जैसे 7वीं क्लास का है तो
यहाँ पे 7 लिख देंगे, उसके बाद टाइप कर देना है पेज नंबर PAGE पेज नंबर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 221 नंबर का 221। इस प्रकार हम लोग आप लोग टाइप करके बहुत ही आसानी से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, या सीधा सीधा छोटा सा भी टाइप कर दें BTK7221 स्पेस डाल के टाइप कर दें तो भी वीडियो आप लोग को सीधा सा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। मिश्र धन साधारण ब्याज और मिश्र धन में बस थोड़ा सा अंतर है, सेम हल वैसी होगा। तो यहाँ पे हल करते हैं पहला नंबर को, मूलधन बराबर 2700, कुछ नहीं करना है, सेम उसी प्रकार का हल है। दर 7%, समय 2 वर्ष, ब्याज लिख देते हैं साधारण ब्याज या ब्याज लिख दें, सेम सूत्र है पिछले साल की तरह, ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय, इसमें मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, बटे समय, मतलब ऐसा भी लिखा हुआ प्राप्त होता है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद मूलधन में दिया हुआ है 2700, दर दिया हुआ है 7%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, पूरे का बट्टा कितना है 100, ये 0 और ये 0 कट गया। अब हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 27×14 तो लिख सकते हैं यहाँ पे 27×14। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद लिख देंगे हम लोग 27×14, देखिए छोटा सा है, 27×14, 7×28 हाथ में आया 2, 4×8 अरे 2 कितना हो जाएगा 10, 1×7 1×2 आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, 7 अरे 378। तो इस प्रकार ब्याज हमारा कितना आ गया 378 रुपये। बस यहाँ पे छोटा सा लाइन बढ़ा देते हैं क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो इससे पहले हम लोग मिश्र धन लिख चुके हैं पहले प्रश्न नंबर 1 में, तो मिश्र धन बराबर कितना होता है आप लोग बताएंगे, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ हम लोग मूलधन और ब्याज को लिख देते हैं, तो मूलधन हमारे पास कितना है देखिए 2700 और ब्याज आया कितना 378 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 7, 7×3, 10 और ये 3। तो हमारा सवाल नंबर 3 का पहला का उत्तर आ जा रहा है 3078 रुपया। तब अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, फिर पुनः हम लोग इसको सेम इसी तरीके से बनाएंगे, कोई नया तरीका तो है नहीं है। पुनः लिख देते हैं सवाल नंबर 2 को, मूलधन कितना दिया हुआ है 4000 रुपये, दर दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, अ
अब निकाल देते हैं ब्याज। कितना हो जाएगा मूलधन? गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा सौ। यहाँ पे मान रख देते हैं फिर से मूलधन 4000, दर है 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, पूरे का बटा सौ। फिर से काट देते हैं तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना 40। ये दोनों को गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 10। तो गुणा कर दिए कितना आ गया 400 रुपये। मतलब 10% की दर से नहीं 5% की दर से 4000 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 800 400 रुपये। अब निकालते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सेम लिख देंगे मूलधन मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 4000, ब्याज आया 400, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4400। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब लोग मैं एक ही बोर्ड में बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा समय का बचत हो और मेरा भी समय बचे। आप लोग इसको कभी भी हल करें तो इस प्रकार से हल मत करिएगा। आप लोग नए पेज में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तीसरा नंबर, दिया हुआ है मूलधन ₹1500 भी बोलते हैं इसको, या 1500। और दर दिया हुआ है 6.1/2, इसको हम लोग पढ़ते हैं 6.5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.5 भी। इससे पहले के सवाल में मैंने इसको हल कर दिया था 13/2। आप इसको 6.5 भी लिख कर हल कर सकते हैं, 6.1/5। या इसको लिख सकते हैं 6×12 = 13, 13/2। प्रतिशत मतलब ये दोनों में हम लोग किसी को भी सूत्र में लिख देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। और समय दिया हुआ है 140 दिन, तो इसको भी आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले जो भी सवाल हल किए थे इसमें वर्ष था, यहाँ दिन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 साल से भाग कर देते हैं। तो 1 साल का मतलब कितना होता है 365 दिन। तो कितना हो जाएगा 146/365 वर्ष। अब देखिए हमारा सवाल जो है वर्ष में चेंज हो चुका है। अब हल करते हैं सूत्र में रखकर साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा सौ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे लगभग मूलधन को छोड़कर बाकी बटे में दिया हुआ है 13/2, 146/165। तो हम लोग यहाँ पे मूलधन लिखेंगे 1500, उसी के नीचे 100 को लिख देते हैं, फिर 60 आसानी से सरल हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा मूलधन 1500 बटे 100 गुणित 13/2 गुणित 146/365। अब जो करता है सो काट देते हैं, ये जीरो, अरे जीरो कट गया। अब हमारे पास आ रहा है ये 2, 7 × 14 और 7 × 21 13 आ गया। अब फिर इसको भाग करते हैं, 13 से भाग जाता ही नहीं जाता, देखते हैं 365/13। या 13 × 13, 13 × 26 0, 1, 5 नहीं आ रहा। 13 से 74 तक भाग करते हैं, 73, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, 5 × 5, 15 हाथ में आया 1 और 5 × 35 = 36। तो 73 × 6 कितना आ जा रहा है, 165। 73 × 73, 73 × 6, 165 और यहाँ पे बच गया 5 × 5, 5 × 15। तो यहाँ का काटने को थोड़ा सा आप लोग अभ्यास कीजिएगा, बाकी जो भी कटा है स्पष्ट लिखा हुआ है, ये कटा है 73 से 73 × 6, 365 होता है, और ये 5 × 5, 5 × 15 काट दिए, तो यहाँ बच गया कितना, 13 × 3। तो लिख देंगे यहाँ पे 13 × 3 = 13 × 39। तो 1500 रुपया का 140 दिन में ब्याज कितना हो जाएगा, 339 रुपया। अब यहाँ पे निकाल देंगे मिश्रधन, मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना प्राप्त हो रहा है, दिया हुआ है 1500, ब्याज आया 39 रुपया, हमारा उत्तर हो गया 1539 रुपया। अब हम लोग सवाल नंबर अंतिम सवाल की ओर चलते हैं और उसको हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है मूलधन, ₹1000 और दर दिया हुआ है 7.7%, समय दिया हुआ है 8 माह। माह को वर्ष में बदलने के लिए इससे पहले सवाल में 1200 भाग किए थे, तो इसे भाग कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12, 8/12 वर्ष, या लिख देंगे इसको काट के 2/3। अगर हम लोग यहाँ पे दशमलव को हटाना चाहें तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, दशमलव हटाने के लिए 725/100 भी लिख सकते हैं, दो अंक के बाद दशमलव है इसलिए 2 0 डालकर 1 लिख देंगे। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.75 को 725/100। अब यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल देते हैं, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय। पूरे का बता 100। अब इसका मान रख देते हैं मूलधन का, दर का और समय का।
मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? 1000। दर दिया हुआ है 7.25 रुपया भी चल जाएगा। कोणित समय दिया हुआ है 2/3। ये 2/3 है। अभी तो काट देंगे 0, 2 इसके बाद 5, 2, 7, 7, 14। 3 से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बच गया कितना? 10 × 7.25 × 2/3। अब यहाँ पे हम लोग गुणा करते जाते हैं। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 4 और 1 = 5, 7 × 2 = 14। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव डाल दिए, गुणित 10³/3। अच्छा नंबर 1 फिर गुणा कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 14, 5, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 अंक के बाद 0 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 145/3। अब इसको हम लोग भाग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 24, 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 9। तो इस प्रकार हमारा जो ब्याज आ रहा है 48 रुपया 3 पैसा के लगभग आ रहा है। तो सवाल नंबर 4 का मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज, मूलधन है 1000, ब्याज आया 48 रुपया 3 पैसा, जोड़ दिए तो 1048 रुपया 3 पैसा हमारा क्या हो जाएगा? ये उत्तर। तो इस प्रकार जो प्रश्नावली है बनकर कंप्लीट होता है।